मैं नीला जका आज मौजूद हूँ आजाद कश्मीर में, जहाँ पर रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी गई। सगे बाप और बेटे ने अपने ही घर में हव्वा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके नतीजे में उसके हां एक मासूम नन्ही कली ने जन्म लिया। ये दरिंदा सिर्फ सगे बाप और भाई कौन थे, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह से बात करूं, क्या पूछूं, क्या ना पूछूं। अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन बात इसलिए करना चाहती हूँ कि जो दुनिया में आपके आगे आपकी बेटी आ गई है वो इंसाफ की मंतज़र है। अब इंसाफ उसे कैसे मिलता है ये हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें डिसाइड करेंगी। आपके साथ जो दरिंदगी ढाई गई उसमें कोई और नहीं था, आपका सगा बाप और सगा भाई था। जी ऐसे ही है जी। आपकी बेटी आपके भाई में से पैदा हुई है जी। आपको इल्म था जब आपने एक्सपेक्ट किया प्रेगनेंसी हुई आपकी? नहीं नहीं इल्म था आपको। फिर आपको कोई चेंजेस महसूस हुए? जी। क्या चेंजेस जिस्म में महसूस हुए थे? बस दर्द वगैरह, पेट फूलने लग गया मेरा। अम्मी को बताया, अम्मी ने किया, अम्मी कहने लगी, अम्मी ने चाची को बताया, चाची कहती है पेट फूलने की बीमारी थी, शायद उस वजह से कुछ हो गया। फिर काफ़ी टाइम गुजर गया, फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ से उन्होंने बोला ये प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली इसकी। आपको पता है इस चीज़ का मतलब क्या था? नहीं। आपका भाई और बाप कितने अरसे से ये सब आपके साथ कर रहे थे? मेरा बाप और भाई 1.5 साल से कर रहे थे। आपने अम्मी को नहीं बताया? नहीं। क्यों? डर रही थी, डरा रहे थे, कह रहे थे मार देंगे, धमकियाँ दे रहे थे, धमका रहे थे। आप भाई से छोटी हैं ना? जी छोटी हैं बस। क्या ये रोज होता था आपके साथ? जी। दोनों ही रोज करते थे ये सब? जी। कभी हिम्मत नहीं की कि मैं इस पे बात कर सकूं, या अम्मी को कोई तब्दीली महसूस नहीं आई आप में? नहीं। जब आपको पता चला कि आपके साथ जो कुछ हुआ है वो तो दुनिया के सामने आ जाएगा, उस वक्त डर नहीं लगा अम्मी से या किसी से या दुनिया वालों से? डर बहुत लगा है, लेकिन नहीं बताने की हिम्मत ही नहीं हो सकी, बताने ही नहीं दिया उन्होंने। ये सब होने से पहले भाई पे मान था? जी। ये सब अचानक कैसे हो गया? बस पता नहीं चला, भाई सगा भाई था, उसने ये कुछ किया। पहली दफा उसने आपके साथ जबरदस्ती की या आपको प्यार से बहलाया फुसलाया? नहीं नहीं, प्यार से नहीं, धमका के, मतलब इस तरह। तो अबू कैसे गया? मिल गए साथ? अबू भी कर रहे थे इस तरह। अबू भी करते? भाई और भाई को पता था अबू का, और अबू को पता था भाई का? नहीं, दोनों को एक दूसरे का शुरू में नहीं पता था? नहीं, बाद में पता चल गया। बाद में पता चल गया। आपको जब पता चला कि अब तो आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको ये पता था कि ये बच्चा किसका है दोनों में से? नहीं नहीं पता था। नहीं। फिर डीएनए के बाद पता चल गया? जी डीएनए के बाद पता चल गया। आपको हॉस्पिटल ले जाया गया जिस वक्त ये आपकी बेटी पैदा हुई? जी। उस वक्त आपने उस बच्ची को लावारिस वहाँ वक्ती तौर पे छोड़ दिया, और बाद में आपने फिर अदालत के जरिए उसको वापस क्यों ले लिया? मुझे समझ नहीं आ रही थी, बच्ची हुई पता नहीं चला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग ही और जहन ही नहीं काम कर रहा था कि उसको क्या करूँ। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी बच्ची भी है। फिर वहाँ पे मैं छोड़ के चली गई, फिर एनजीओ वाले आए, वो लेकर चले गए। छोड़ने का मशवरा अम्मी वगैरह ने दिया था? जी। फिर छोड़ के चली गई मैं, फिर अम्मी ने बोला छोड़ दे, तो छोड़ के चली गई। फिर एनजीओ वाले आ गए, वहाँ से वो बच्ची को ले गए। फिर उसके बाद जज साहब के घर थी, फिर कोर्ट से मैंने बच्ची जाके वहाँ से ली। जज साहब को कहा जाता है? जज साहब को दी फिर मैंने बच्ची। जज साहब को तो आपने एप्लीकेशन दी ना? जी जी, एप्लीकेशन दी। एनजीओ वालों को बुला के, तो एनजीओ वालों को बुला के बच्ची वहाँ से मुझे उन्होंने लेकर दी। सारी जिंदगी वो बच्ची आपके सामने है जी, एक माँ है आप उसकी, आपने पैदा की है जी। एक माँ की हैसियत से उसे प्यार दे पाएंगी, या एक रोग जो जिंदगी का लग गया है उसमें वो नजर आएगा? इसे क्या नजर आएगा, रोग नजर आएगा या माँ बन जाएंगी उसकी? रोग तो लगे नजर ही आएगा, माँ तो फिर जाहिर माँ है, तो बच्ची मेरी ही है ना। बाप और भाई, अव्वल तो हमारा कानून बहुत सख्त है, और मेरी भी यही गुजारिश है
अरबाब इख्तियार से कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाए, लेकिन कभी सामना होता है तो मुझे नहीं पता मुझे सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर क्या होगा? मैंने बच्ची छोड़ दी थी, पहले चली गई थी, फिर मैंने बच्ची अपनी वापस ले ली। मैंने कहा जहाँ पे मेरा भाई और मेरा बाप सगे और रिश्ते होने रिश्ते मुझसे कर रहे हैं इस तरह के, तो मैंने कहा बाद में इसके ऊपर इसका क्या होगा, इसके साथ क्या से क्या होगा, इसलिए मैंने बच्ची वापस ले ली। बच्ची तो थी मेरी ना, मेरी अपनी पैदा हुई थी, मेरी थी ना। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप पे तो क़यामत गुजरी है जी। आपने तो पल पल उस तकलीफ को महसूस किया है, पल पल उस दर्द को महसूस किया है, पल पल तड़पी होंगी, रोई होंगी जी। किसी दोस्त से भी बात करने की, सहेली से बात करने की हिम्मत नहीं हुई? नहीं, हर तरफ से धमकाते थे मुझे, हर तरफ से बोलते थे कि आप ऐसा किसी से बात की आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर डराते धमकाते थे। मैं किसी से बात नहीं करती थी डर के मारे। ये सब होने से पहले अब्बू पे लाड आता था जी। एक लाड को जो बर्बरियत में आपके बाप ने बदल दिया है, उसके पीछे ऐसी क्या वजह थी? कभी आपने अब्बू से पूछने की कोशिश नहीं की, भाई से पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आप लोग तो मेरी इज्जत के रखवाले हैं? नहीं। क्यों नहीं की बात? की थी लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी मेरी। आपने कभी उनसे बात नहीं की कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आप लोग मेरी इज्जत के रखवाले हैं, ये सब क्यों कैसे? जी मैं करती थी उनसे बात, मारपीट करते थे, चीख करती थी मैं, मारते थे मुझे, शोर मचाती थी, लेकिन वो फिर भी मेरी मुझे नहीं छोड़ते थे, वो फिर भी मुझसे गलत करते थे। नहीं होते थे भाई और अब्बू मुझे, अम्मी घर नहीं होती थी, भाई और अब्बू मुझसे ज़बरदस्ती आके मेरे कपड़े उतार के मुझसे ये ज़बरदस्ती करते थे, गलत काम ज़बरदस्ती करते थे, मारपीट करते थे, मैं चीखती रहती थी, गलत काम हर वक्त इन्होंने मुझे तंग किया होता था हर वक्त। बाप और भाई के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? इनको अल्लाह तबाह करे और अल्लाह इनको हरक करे, इन्होंने जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है ना, कभी इनको भी सुकून में ना रखे, अल्लाह तबाह ही करे इनको। किसी रिश्ते पे एतबार कर सकेंगी जिंदगी? मैं कभी एतबार नहीं कर सकती किसी भी, सगे भाई अगर सगे बाप किसी का नहीं, किसी बेटी का, वो किसी का भी नहीं हो सकता। वो किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता, जो अगर अपनी सगी बेटी और बहन के नहीं है भाई, कोई भी किसी का नहीं हो सकता, किसी रिश्ते पर यकीन नहीं कर सकती मैं। अल्लाह को सब्र। अब जब ये सब कुछ हो गया, ये सारा मामला खुल गया, पता लग गया कि आप माँ बनने वाली हैं और बिल्कुल आखिरी अयाम है, ऐसे में आपके बाप और भाई आपके सामने उन दिनों आए गिरफ्तार होने से पहले, जब तक पुलिस में बात नहीं आई थी? नहीं। कहाँ थे वो दोनों? पता नहीं, भाग गए थे, सामने नहीं आया? नहीं। क्या मुतालबा है आपका? मुझे उनसे खतरा है, अपना भी खतरा है, बच्ची का भी खतरा है, मुझे किसी भी टाइम पर मुझे भी मार सकते हैं, बच्ची को भी मार सकते हैं। आप क्या चाहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान या अरबाब इख्तियार आपके लिए क्या करे? इंसाफ चाहिए मुझे यहाँ से। इंसाफ में क्या चाहती हैं? बच्ची तो वही जो पैदा हो गई, अब वो उनको सजा होगी, यकीनन होगी जी। लेकिन आपकी सेफ्टी आप कैसे देखती हैं कि कैसे मुमकिन है आपको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाए जी? अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई कि लड़की हर महीने एक प्रोसेस से गुजरती है, एक फीमेल एक प्रोसेस से गुजरती है सन बलूगत के, आपके ज़ाहिर ऐसे अयाम जो थे उनमें आपकी वालदा को बहुत ज़्यादा इल्म होगा क्योंकि आप अभी कुछ ही अरसा हुआ आपको बड़े हुए, तो आपकी वालदा ने आपसे सवाल नहीं किया कभी? नहीं। कि आपकी तबीयत ठीक है या ऐसा कोई मामला है, या आपने कोई उनसे बाज़ार से चीज़ नहीं मंगवाई? क्या माँ ने कभी पूछा? नहीं नहीं पूछा ही नहीं उन्होंने। माँ ने कभी प्यार से बिठा के आपसे बात नहीं की, या आपका और आपकी अम्मी का अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब मैं कह रही हूँ कि आपका और अम्मी का प्यार का रिश्ता नहीं था। पूछा था अम्मी ने, बुखार वगैरह कभी तबीयत खराब हो जाती थी वो बस बुखार की दवाई ला देती थी, इस तरह बस और कुछ भी नहीं। कभी कभी अम्मी से लफ्स मुँह में जोड़े हों कि अब मैं बात करूँगी और फिर रुक गई हूँ? जी मैंने बहुत कोशिश की बताने की, लेकिन भाई से डरती थी, अबू से डरती थी, नहीं बता सका कुछ भी। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। जिस दर्द से, जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं, हम लोग सिर्फ लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं जी। मेरे साथ जो मुतासरा मौजूद हैं, मैं बार बार उनसे सवालात इसीलिए कर रही थी कि जो मुलजमान हैं वो दरिंदे हैं, वो इनके इज्जत के मुहाफिज थे, इनके महरम थे, लेकिन वो इसके मुजरिम हैं। वो
दंदनाते रहे, अपने ही घर की इज्जत का जनाजा निकालते रहे, फिर इस हद तक निकाला कि आखिर दुनिया के सामने वो इबरत बन के आ गया। कयामत का मंजर बर्पा करते रहे, ये ना सोचा कि यह कयामत की निशानी है कि बाप जिसने पैदा किया, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो भाई जिसने उठा के खिलाया, भाई से कई साल छोटी यानी कि उसकी लाडली बहन उसी की दरिंदगी का निशाना बनती है। क्यों होता रहा ऐसा? इसके पीछे ऐसे कौन से मुहरकात हैं जो इंसान को जानवर बना देते हैं? और अब इस मासूम का क्या होगा जो दुनिया में अभी दो ही माह कबल आंखें खोल रही है? क्या होगा इसका?